वेलकम बैक दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे लीजन हैकर ग्रुप के बारे में। देखो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे कोई भी प्रॉपर डॉक्सिंग को लेकर वीडियो नहीं थी, जो कि एथिकल हैकिंग के चैनल पे होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है डॉक्सिंग क्या होता है, तो दोस्तों डॉक्स करने का मतलब होता है इंटरनेट को यूज़ करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालना। जितनी इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं किसी ग्रुप के बारे में या किसी पर्सन के बारे में, उन इन्फॉर्मेशन को रिलेट करना और उससे उस बंदे को या उस ग्रुप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। रियल वर्ल्ड में दोस्तों बहुत सारे हैकिंग ग्रुप्स या बहुत सारे हैकर्स डॉक्सिंग से ही फिगर आउट किए जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो का एम किसी को डॉक्स करना नहीं होगा, बल्कि आपको सिखाना होगा कि रियल वर्ल्ड में डॉक्सिंग होती कैसे है। और दोस्तों इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, ये इस चैनल की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में से एक होगी। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार हम ये देख लेते हैं इन्होंने क्या किया था और कैसे किया होगा। 30 नवंबर 2016 को दोस्तों इन्होंने राहुल गांधी जी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया था, उसे काफ़ी ट्वीट्स डाले थे। अगले दिन 1 दिसंबर को इन्होंने INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया था और उससे भी बहुत सारे ट्वीट्स डाले थे। IP एड्रेसेस जिनसे ये अकाउंट्स एक्सेस किए गए थे वो इन कंट्रीज से बिलोंग करते थे। इसके बाद दोस्तों सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को देखते हुए कांग्रेस ने अपने लीडर्स के 200 ट्विटर अकाउंट्स को डीएक्टिवेट करा दिया था। दोस्तों इन्होंने बहुत सारे देखो ट्वीट्स डाले थे, बुरे भले ट्वीट्स डाले थे। एक जो मेन चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान देनी है वो ये है कि इन्होंने कहा था कि INC.in का ईमेल डंप आने वाला है। और दोस्तों एक और अकाउंट हैक हुआ था उस टाइम, वो था रचित सेठ का। और दोस्तों देखो जिस अकाउंट की यहाँ बात की जा रही थी वो भी INC.in पे बना हुआ था। इसके बाद दोस्तों इन्होंने 8 तारीख को विजय माल्या का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया और इससे बहुत सारे ट्वीट्स डाले। उसके बाद 10 तारीख को दोस्तों इन्होंने बरखा दत्त और रवीश कुमार NDTV के 2 लीडिंग जनरल्स का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया, उनसे भी बहुत सारे ट्वीट्स डाले। और दोस्तों जब ये अकाउंट को हैक करते हैं तो अपना एक इस टाइप का ईमेल मेंशन कर देते हैं बात करने के लिए। और NDTV के केस में जो ट्विटर अकाउंट्स हैक हुए थे दोस्तों वो NDTV की ऑफिशियल ईमेल से जुड़े हुए थे। मार्च 2017 में दोस्तों इन्होंने मुरासोली नाम के एक तमिल न्यूज़पेपर की वेबसाइट को भी डिफेस किया था। और दोस्तों जब इनके इंटरव्यूज़ वगैरह हुए थे जो भी हम देखेंगे न्यूज़ एजेंसीज के साथ, तो इन्होंने बहुत सारे प्रोमिसज भी किए थे, जैसे sansad.nic.in का डाटा लीक करेंगे। और बहुत सारे बंदों का ये भी मानना है कि जो लीजन ग्रुप है वो एक BJP स्पॉन्सर्ड ग्रुप है। इसके पीछे बहुत सारे कारण दिए जाते हैं, जिसमें से लीडिंग कारण ये है कि ये सिर्फ उन्हीं ट्विटर अकाउंट्स को हैक किए थे जो anti-BJP थे। और भी कारण दिए जाते हैं दोस्तों, जैसे कि ये एक BJP इनसाइडर करके एक ट्विटर अकाउंट है, इन्होंने जुलाई में पोस्ट किया था कि हम कुछ प्रोफेशनल हैकर्स को हायर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस बात का कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं है कि BJP से किसी भी टाइप से जुड़े हुए हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार हम इनके अटैक्स को समझ लेते हैं कि वो अटैक्स किए कैसे होंगे। DNS को हाईजैक करके ईमेल को इंटरसेप्ट करने पे इस चैनल पे एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। इस वीडियो में अभी के लिए दोस्तों मैं तुम्हें कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड और बता देता हूँ एग्जैक्टली लीजन ने इस अटैक को कैसे यूज़ किया था। देखो दोस्तों, डोमेन, वेब होस्टिंग, ईमेल होस्टिंग, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये तीनों तुम चाहो तो एक ही वेबसाइट से भी ले सकते हो और अलग अलग वेबसाइट से भी ले सकते हो, ठीक है, कुछ इस टाइप से। मेन बात क्या है दोस्तों, जो मैंने तुम्हें DNS वाली वीडियो में भी बताया था, जो नाम होते हैं डोमेन नेम वो सिर्फ हम इंसानों के लिए बने होते हैं, इंटरनेट काम करता है IP एड्रेस पे। तो कोई भी चीज़ हो डोमेन वाली, जैसे sunny@hacksandsecurity.org, ये बेसिकली एक ईमेल है, ये IP एड्रेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिजोल्व होगी। देखो दोस्तों, DNS को मैनेज करने के बहुत तरीके होते हैं, वो होस्टिंग से हो सकते हैं, वो तुम्हारे डोमेन साइड से हो सकते हैं, तुम अलग से अपनी DNS होस्टिंग ले सकते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो आजकल तुम्हें हर जगह मिलेगा, तुम एक डोमेन खरीदोगे, वहाँ पे तुम्हें अंदर एक DNS मैनेजमेंट का पैनल मिलेगा कुछ इस टाइप का। वहाँ पे मान लो कि देखो तुमने ईमेल ले ली है एक अलग वेबसाइट से, ठीक है, जो तुम्हारा मेल सर्वर है वो एक अलग वेबसाइट का है, तो तुम क्या करोगे MX रिकॉर्ड्स वहाँ पे सेट कर दोगे, ठीक है, ये बताने के लिए कि मेरा मेल सर्वर ये है। जैसे मुझे 2 मेल सर्वर मिले हैं मेरे मेल प्रोवाइडर से, तो मैं दोनों यहां पे मेंशन कर दूंगा प्रायोरिटी वाइज, मतलब कि इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसकी प्रायोरिटी 2 है। जब ये काम नहीं कर रहा होगा तो ये काम में लिया जाएगा। तुम यहां पे 10-20 लिखो या 1-2 लिखो, कोई अंतर नहीं आएगा। इन सब चीजों पे हम आगे भी और ज्यादा डिस्कशन करेंगे। मेन बात दोस्तों जो तुम्हें यहां पे ध्यान रखनी है वो ये कि अगर तुम्हारा कोई डोमेन पैनल हैक कर ले, मतलब तुम्हारा डोमेन अकाउंट हैक कर लिया और तुम्हारे MX रिकॉर्ड चेंज कर दे, मतलब उसका खुद का मेल सर्वर यहाँ पे लगा दे, तो जो ऑब्वियसली तुम्हारे मेल्स हैं वो उस नए सर्वर पे जाने वाले हैं, वो यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि उसने इसको बदल दिया है। और यही चीज़ लीजन हैकर्स ने की थी। तो दोस्तों हुआ क्या था, राहुल गांधी और विजय माल्या के जो डोमेन्स थे वो नेट फॉर इंडिया से परचेज किए गए थे, ठीक है। तो किसी ने इन्हें पॉइंट आउट कर दिया था कि तुम कॉमन हो इन दोनों के हैक्स के बीच में, इसलिए तुम्हारी कोई गलती है। तो इन्होंने कहा था कि हमने तो सिर्फ डोमेन दिए हैं,
हमने ईमेल सर्विस या फिर होस्टिंग उनको नहीं दिया, और ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। जबकि दोस्तों तुम डोमेन अकाउंट में लॉगिन करके ही ईमेल सर्वर को बदल सकते हो। अब ये पता है क्या कहना चाहते थे, ईमेल सर्वर हैक कैसे हुआ, ईमेल्स उन्होंने पढ़े कैसे, हमने तो सिर्फ डोमेन दिए थे। अरे भैया उन्होंने डोमेन में लॉगिन किया और ईमेल सर्वर ही बदल दिए, बात खत्म। देखो दोस्तों लीजन ग्रुप ने क्या किया था, राहुल गांधी डॉट इन डोमेन के MX रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई कर दिया था, इन्होंने खुद के SMTP सर्वर्स यहाँ पे ऐड कर दिए थे। ये इम्प्रूव MX दोस्तों पनामा बेस्ड एक मेलिंग सर्विस है, इन्होंने इसके मेलिंग सर्वर लिए हुए थे। अब जो मेल्स यहाँ पे आने चाहिए थे दोस्तों वो लीजन के पास जा रहे थे। अब दोस्तों कोई भी कनेक्टेड सोशल मीडिया अकाउंट हो या कोई भी कनेक्टेड दूसरा अकाउंट हो, जब तुम उसे रीसेट करते हो, पासवर्ड को भूल जाते हो, तो तुम्हें पता है तुम्हें ईमेल भेजा जाता है। अब वो ईमेल जा रहे थे लीजेंस के पास, तो बेसिकली वो पासवर्ड्स को रीसेट कर सकते थे। मेन चीज़ दोस्तों जो यहाँ पे एक ध्यान देने की है, ये बहुत जल्दी अटैक कर रहे थे। जो 60 मिनट होता है दोस्तों, ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट होता है, तुम कोई भी डोमेन पैनल देखोगे तुम्हें डिफ़ॉल्ट मिलेगा। ध्यान से देखो दोस्तों, 1 तारीख को भी जो राहुल गांधी डॉट इन जो डोमेन है उनके मेलिंग सर्वर्स यहाँ पॉइंट कर रहे थे। एक और चीज़ हुई थी दोस्तों, वो हुई थी UBmail के साथ। UBmail के साथ भी बिल्कुल यही किया गया था, उनके भी मेलिंग सर्वर्स को बदल दिया गया था। बेसिकली अब जो मेल्स थे वो लीजन ग्रुप के पास जा रहे थे UBmail से रिलेटेड। अब अगर दोस्तों तुम ये सोचो कि अटैक को UBmail से क्या लेना देना है, तो तुम्हें बता दूं दोस्तों जो विजय माल्या हैं वो यूबी ग्रुप के चेयरमैन हैं, और जो प्राइमरी ईमेल ये यूज़ करते हैं और जो सबको प्रोवाइड करते हैं वो है vijaymalya@ubimail.com। देखो दोस्तों तुम्हें किसी भी वेबसाइट के MX रिकॉर्ड्स या मेल सर्वर चेक करना हो तो इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि MX टूल बॉक्स है, तुम यहाँ पे जाके इस पर चेक कर सकते हो। और यहाँ पे जाओगे तो थोड़ा और बेटर दिखाई देगा, ट्रांसक्रिप्ट पर जब क्लिक करोगे। पहले दोस्तों ये हिस्ट्री भी देती थी कुछ टाइम की, अब नहीं देती। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं दोस्तों जो अभी भी हिस्ट्री देती हैं, वो तुम सिंपली गूगल कर लेना DNS की हिस्ट्री के लिए, तुम्हें बहुत सारा ऐसा कुछ मिल जाएगा। देखो दोस्तों विजय माल्या की पर्सनल वेबसाइट थी malya.in, और malya.in यूज़ कर रही थी नेट फॉर इंडिया का मेलिंग सर्वर, और नेट फॉर इंडिया का एक्सेस लीजन के पास होगा, इसलिए उसने यहाँ पे कुछ चेंज लाने का बोधर नहीं किया। तो दोस्तों अभी तक हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि मोस्ट प्रोबेबली इनके पास इन तीन चीज़ों का एक्सेस था, NDTV का एक्सेस था इनके पास, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो INC.in वेबसाइट है उसका एक्सेस था, और नेट फॉर इंडिया का एक्सेस था। अब इन तीन में से कोई दो एक दूसरे से रिलेटेड हैं या तीनों एक दूसरे से किस तरह रिलेटेड हैं, इस बात की हमारे पास कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। तो दोस्तों अब हम आते हैं इनके इंटरव्यूज़ पे। दोस्तों ये एक ईमेल ट्वीट कर रहे थे इनसे बात करने के लिए, तो जिन जनरल्स ने इनको मेल डाला था बात करने के लिए, इन्होंने उनको एक मैसेंजर इंस्टॉल करने के लिए बोला था, उन्होंने मैसेंजर इंस्टॉल किया और इनसे बात करना शुरू कर दिया। तो इस टाइप के कुछ इंटरव्यूज़ हैं हमारे पास, एक है फैक्टोरियल डेली का, एक है वाशिंगटन पोस्ट का, और एक क्विंट का, एक लड़की जिसको इन्होंने कॉल किया था, जिसे इन्होंने कॉल पर बात की थी। ये क्विंट वाला इंटरव्यू थोड़ा आर्ग्यूएबल है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने हमें नहीं बताया कि इनकी ईमेल पे कुछ बात हुई है, यानी लीजन से इस इंटरव्यू से पहले, जो कि ज़रूर हुई होगी जो इस इंटरव्यू को देखकर लग रहा है। कुछ बंदों ने ये भी कहा ये इंटरव्यू फेक हो सकता है, जो बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। अथॉरिटीज़ को मिसगाइड करना इतने बड़े मैटर्स में आसान नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ट्रबल में जा सकते हैं उसके लिए। खैर हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं, और तीनों ही इंटरव्यू से दोस्तों तुम्हें इनकी एक ही जैसी सी मैंटेलिटी देखने को मिलेगी। और मेन इंटरव्यू दोस्तों मैं कहूँगा ये वाला, जिस पर अभी हम फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, वो है टाइम स्टैम्प्स। इंटरव्यू पोस्ट करने वाले को हमेशा क्वेश्चन का और आंसर का टाइम स्टैम्प पोस्ट करना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को ये पता चल जाए कि आंसर कितना सोच समझ के दिया गया, कितना टाइम लेकर दिया गया। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, दो चीज़ें होती है, एक होता है देखो बेसिक गूगल सर्च से कुछ बोल देना या सुनी सुनाई बातें कर देना, एक होता है बिल्कुल कंसेप्चुअल बात बोलना या बहुत ही डीप बात बोलना, बहुत ही कोर बात बोलना, कोर टेक्निकल बात, जिसे पता चलता है एक्चुअली तुमने उस चीज़ की बहुत अच्छे से स्टडी की हुई है, बहुत अच्छे से उसे समझाओ, जो तुम बेसिक गूगल सर्च से नहीं कर सकते थे। तो चलो दोस्तों हर चीज़ पर यहाँ पर फोकस करते हैं। जब ये चैट खत्म होने वाली होती है दोस्तों, ये एक लाइन बोलते हैं जिससे एक चीज़ क्लियर है कि इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि इंटरव्यूअर इन्हें डॉक्स करने की कोशिश कर रहा था, ये लोग डॉक्सिंग से बचना चाहते थे, ये डॉक्सिंग को अच्छे से समझते हैं, और इन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी बोली होंगी, बहुत सारे आंसर्स ऐसे दिए होंगे जिससे डॉक्सिंग से बच पाए। एक चीज़ जो दोस्तों इन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया वो ये है कि PR ग्रुपीज हैं, अटेंशन सीकर्स हैं, जैसे मीडिया वाले होते हैं, वो सब इनकी बातों से, इनकी हरकतों से, इनकी एक्टिविटीज से हमें लग भी रहा है। दोस्तों ये ड्रग्स वगैरह की बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, इनका कहना है कि इनका मेन अर्निंग का पर्पस ही ड्रग्स है। इनकी बातों से कहीं ना कहीं अगर तुम ध्यान से पढ़ो तो कहीं ना कहीं तुम्हें लगेगा इनको ड्रग्स की नॉलेज ज़रूर है, लेकिन इनके कहने से हम ये बात नहीं मान सकते कि ड्रग्स वगैरह कंज्यूम करते होंगे। एक और मेन बात दोस्तों, इंडिया से बाहर हैकर्स के बीच में ड्रग्स वगैरह कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर उनके ग्रुप्स तुम नोट करोगे फॉरन फोरम्स पे, वो ऐसे ही होंगे जो ड्रग्स वगैरह ज़्यादा कंज्यूम करते होंगे। इंडिया में तुम्हें ऐसा बहुत कम देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों एक चीज़ पर ध्यान देना, वहाँ के ग्रुप्स जो बड़े ग्रुप्स हैं और उनके फॉलोअर्स,
तुम्हें फोरम्स पे ऐसी ही बातें करते हुए मिलेंगे, मैंने कहा वहाँ के ग्रुप्स और उनके फॉलोअर्स जो उन्हें फॉलो करते हैं। एक और मेन बात दोस्तों, एटलीस्ट इन्हें हिमालयाज के बारे में तो पता है। अगर हम इनके इंटरव्यूज को ध्यान से पढ़ें तो हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया में कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और वो भी पार्टिकुलरली साउथ इंडिया में। देखो दोस्तों, अम्मा बेसिकली ऊपर कहीं डिफाइंड नहीं है कि अम्मा क्या है, अम्मा कौन है, लेकिन तुम सबको पता होगा कि साउथ इंडिया में जयललिता को अम्मा कहा जाता था, और साउथ इंडियन इस वर्ड के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। अब दोस्तों जो ये लीजन हैकर ग्रुप है, ये अम्मा उनकी हेल्थ में, उनकी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। इन्होंने क्लेम किया दोस्तों कि जिस हॉस्पिटल में अम्मा भर्ती थे, इनके पास उस हॉस्पिटल के नेटवर्क का एक्सेस था, और इनके पास कुछ कंट्रोवर्शियल इन्फॉर्मेशन है उनकी डेथ को लेकर। देखो दोस्तों, एक और चीज़ ध्यान दो, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो वेबसाइट देखी थी वो एक साउथ इंडियन न्यूज़पेपर की थी जो डिफेस की गई थी। ये जो पॉलिटिकल पार्टी है दोस्तों, जो इन्होंने मेंशन की, ये भी साउथ इंडियन पॉलिटिकल पार्टी है। और दोस्तों जहाँ इंटरसेप्शन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी ये स्पेशली साउथ इंडिया के सर्वर्स मेंशन कर रहे हैं। और अब बात आती है दोस्तों इनके इंटरेस्ट को लेकर हमारी मीडिया से रिलेटेड, या कह लो हमारे न्यूज़ रिपोर्टर से रिलेटेड। देखो दोस्तों, ये क्या कहते हैं, इन्हें रवीश के बारे में नहीं पता है, लेकिन बरखा दत्त को एक गाली देना चाहते हैं। बरखा दत्त के बारे में बहुत बुरा भला बोलते हैं कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड कैंपेन्स रन करती है, ये वो वगैरह, और पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, यू कैन सी डेविल इन हर आइज, ये वो। देखो दोस्तों, इंडियन न्यूज़ चैनल्स को मैं फॉलो करना पसंद नहीं करता, फिर भी जो वीडियोस मैंने यूट्यूब पे बरखा दत्त की देखी वो सारी ही इंग्लिश में हैं, जबकि जो रवीश हैं उनकी वीडियोस हिंदी में हैं। एनीवेज दोस्तों, कहीं ना कहीं इन्होंने थोड़ा बहुत कंटेंट बरखा दत्त का देखा होगा, तभी ऐसी बात कह रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों इंडियन मीडिया में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। और बात रही इस इंटरव्यू की दोस्तों, इस इंटरव्यू में जो बंदा बात कर रहा है उसका एक्सेंट बिल्कुल इंडियन है। देखो दोस्तों, फैक्टोरियल पे जो बात की जा रही है उसमें बताया गया कि इंडियन पासपोर्ट नहीं है। जो वॉशिंगटन पे जो बात की जा रही है उसमें बताया गया कि दिल्ली में रहना पसंद नहीं था, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है ड्रग्स को लेकर, इसलिए रशिया जाना पसंद करूँगा। एनीवेज दोस्तों, पूरा इंटरव्यू पढ़ने के बाद हम एक कंक्लूजन पे आते हैं कि ये बंदे इंडिया में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुके हैं, सबके सब नहीं तो एटलीस्ट इनमें से कोई एक बंदा तो कर ही चुका है, और मोस्ट प्रोबेबली ये इंडियंस हैं। सबसे मेन बात दोस्तों, जो इन्होंने ट्वीट्स डाले थे वो सारे ढंग से एनालाइज करना। देखो, एक कांग्रेस के बारे में जो कह रहे हैं, जो राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं, जो इतने सारे अब्यूज़ देते हैं, हर चीज़ को नोट करना। ये राहुल गांधी को मीम वर्थी कहते हैं। देखो, राहुल गांधी पे जो मीम्स बनते हैं वो इंडियन सोशल मीडिया ही बनाता है, बाहर का सोशल मीडिया क्यों बनाएगा। ये मीम देखो ध्यान से, जो इन्होंने पोस्ट किया था, अमूल, पप्पू, ये सब, यार ये बात मानना ही बहुत मुश्किल है, इंडिया से बाहर के बंदे हैं। अब बात आती है दोस्तों इनकी नॉलेज की, हम आते हैं दोस्तों यहाँ पे बिटकॉइन पे। देखो दोस्तों, ये इंटरव्यू है 2016 दिसंबर का। बिटकॉइन ज़्यादा हाइप में आया था कॉमन पब्लिक में 2017 में। दोस्तों, बिटकॉइन को यूज़ करना, बिटकॉइन को ट्रेड करना, ये सब अलग बात है, लेकिन बिटकॉइन को एक्चुअली समझना, ये क्या है और क्यों नहीं है, ये सब अलग बात है। मतलब बिटकॉइन की अंडरस्टैंडिंग होना अच्छे से, डीप वर्किंग की और एवरीथिंग की, वो एक बिल्कुल अलग बात है। इन्हें बैंकिंग की सेंट्रलाइजेशन अच्छी नहीं लगती। एक पढ़ा लिखा इंसान जो क्रिप्टो करेंसीज को, जो क्रिप्टोग्राफी को समझता है, वो इस बात को अच्छे से समझता है कि क्रिप्टो करेंसीज बनी ही इसलिए ताकि बैंकिंग सिस्टम के सेंट्रलाइजेशन को हटाया जा सके। एक लाइन जो दोस्तों इन्होंने बहुत अच्छी बोला है, जो हमारे ग्रुप में एक कॉमन लाइन है, देखो, व्हाट्स बेटर देन होल्डिंग योर ओन मनी। देखो, क्रिप्टो करेंसीज मेनली बनी ही इसलिए थी ताकि तुम अपने पैसे को खुद होल्ड कर पाओ, तुम्हारा पैसा किसी थर्ड पार्टी जैसे बैंक वगैरह उनके पास ना हो। एक और बात दोस्तों तुम्हें पता होगी, देखो, ऑथोराइजेशन ऑथेंटिकेशन अलग चीज़ होती है, सेटलमेंट अलग चीज़ होती है। जब तुम नॉर्मल बैंकिंग यूज़ करते हो, ऑथोराइजेशन और ऑथेंटिकेशन सेम टाइम पे हो जाता है, लेकिन सेटलमेंट बहुत टाइम लेती है। क्रिप्टो करेंसीज में ऐसा नहीं है, जैसे ही देखो तुम्हारी जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीटेड दिखाती है, सेटलमेंट हो चुकी होती है। एनीवेज दोस्तों, कुल मिला के क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन वगैरह की इनको काफ़ी अच्छी नॉलेज है। अब बात आती है दोस्तों बैंकिंग सेक्शन की, जहाँ पे इन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल बातें की हुई है। देखो दोस्तों, स्विफ्ट कोई ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन या सेटलमेंट प्रोटोकॉल नहीं है। स्विफ्ट एक मैसेजिंग सर्विस है दोस्तों, स्विफ्ट पैसा कैरी नहीं करता, स्विफ्ट सिर्फ इंस्ट्रक्शंस कैरी करता है। तुम्हें पता होगा दोस्तों हमें स्विफ्ट की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे मेरा कोई बैंक, मान लो SBI बैंक है इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया के बैंक से लो, ऑस्ट्रेलिया में मान लो सिर्फ कोई एक ही बैंक होगा जिस पर मेरा बैंक ट्रस्ट करता है, बाकी पर ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है। तो बाकियों को पैसा देने में ट्रस्ट से मेरा मतलब रिलेशन नहीं बना के रखता, तो बाकियों को पैसा भेजने में दिक्कत आती थी, उनको पैसा कैसे भेजा जाए, म्यूचुअल ट्रस्ट कैसे बनेगा, ये वो बहुत सारी बातें थी। तो स्विफ्ट से बैंक ने जुड़ना शुरू कर दिया, बहुत सारे बैंक जुड़ गए स्विफ्ट से, अब हमारा सिस्टम काफ़ी स्मूथ हो चुका है। स्विफ्ट को लेकर दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो बहुत लेंथी होगी, शायद मैंने पहले भी इसकी इंट्रोडक्शन किसी और वीडियो में दी होगी, और नहीं तो इसके बारे में काफ़ी आंसर जरूर दूंगे। तो जो भी है दोस्तों, ये
जो इन्होंने बात कही है ये बिल्कुल ही गलत है। जब भी दोस्तों तुम कोई न्यूज़ देखोगे इंटरनेशनल बैंकिंग में कोई फ्रॉड हुआ होगा उससे रिलेटेड, तो पहले यही मेंशन किया जाएगा कि स्विफ्ट हैक हो गया था, ये वगैरह वगैरह इस टाइप की बातें कही जाएंगी। ऐसा नहीं होता है दोस्तों कभी भी। देखो जो इंचार्ज होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं वहाँ पर स्विफ्ट ट्रांजेक्शन के लिए, उसका अकाउंट हैक कर लिया जाता है किसी तरह, कई बार फिशिंग से, कई बार मालवेयर के थ्रू, कई बार दोस्तों ईमेल स्पूफिंग से ही इनको बिफूल कर दिया जाता है। इस टाइप की चीज़ें होती हैं दोस्तों। देखो स्विफ्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसी लोग समझते हैं। देखो दो बैंक्स वैसे भी एक दूसरे से बात कर सकते थे, बात होती थी सारी ट्रस्ट की, जो हमने यहाँ पे स्विफ्ट के थ्रू ऐड कर दिया। ऐसे बैंक्स पे ट्रस्ट बनाना इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली बोला मैंने, जिनके साथ हमारा रिलेशन भी नहीं था। और बात रही रिवर्स इंजीनियरिंग की, स्विफ्ट ऐप्स कहा मैंने, बैंकिंग वाला स्विफ्ट नहीं, उनके रिवर्स इंजीनियरिंग के कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह, कुछ रिसर्च वगैरह 2016 में किया गया था, और उसको बैंकिंग से कुछ लेना देना नहीं है। वो iOS ऐप्स हैं, वो तुम्हारे बिल्कुल अलग हैं बैंकिंग वाले स्विफ्ट से। आप में से कई को पता भी होगा, खासकर जो बिटकॉइन सेलर्स या बिटकॉइन ट्रेडर्स रह चुके हैं, LBTC और जो दूसरे पीयर टू पीयर वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर बिटकॉइन सेल करने की वजह से कई बंदों का इसी चक्कर में लॉस हुआ था। उनके पास मैसेज आ जाता था कि आपके पास पैसा क्रेडिट हो गया है, और कोई पैसा क्रेडिट हुआ नहीं होता था, वो नेट बैंकिंग में लॉगिन करके चेक नहीं करते थे, बिटकॉइन रिलीज कर देते थे। देखो दोस्तों बैंकिंग के सर्वर्स की इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत हो और उसको कोई मिसयूज़ करे, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, और बैंकिंग के प्रोटोकॉल्स में कोई दिक्कत हो वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। जो मैसेजिंग सर्विसेज के API हैं, जो उनके इंटीग्रेशन है, उनका एक्सप्लोइटेशन का मिसयूज बहुत ज़्यादा होता है, बैंकिंग ही नहीं बैंकिंग से बाहर भी। तुमने कुछ लोगों को देखा होगा किसी पार्टिकुलर वेबसाइट को टारगेट करके SMS बॉम्बर बना के बैठ जाते हैं। ओवरऑल दोस्तों अगर तुम इनकी बैंकिंग की नॉलेज को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें यहाँ देखने को मिलेंगी। बैंकिंग इंडस्ट्री में जो बड़े लेवल की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी मेन डिस्कशन तुम्हें रशियन फोरम्स पे ही देखने को मिलेगी। वहाँ पे तुम देखोगे कि पनामा की प्रोक्सीज यूज़ हो रही होंगी, पनामा के मेलिंग सिस्टम्स यूज हो रहे होंगे, ऑफशोर बैंक अकाउंट्स जिनकी डिमांड की जा रही होगी वो भी पनामा के ही प्रोवाइड किए जा रहे होंगे। ऐसा इसलिए दोस्तों जब बात आती है टैक्सेशन की, बात आती है बैंकिंग की, बहुत सारी चीज़ों की, तो पनामा को सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है। एक और बात दोस्तों जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, राहुल गांधी और विजय माल्या का जब डोमेन हैक हुआ था उनके मेल्स को फॉरवर्ड किया गया था ImproveMX सर्विस पे, जो पनामा की एक मेल फॉरवर्ड सर्विस है। बाकी सब बातें बाद में दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ बेसिक डॉक्सिंग स्किल्स यूज़ करते हैं दोस्तों, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हम एक इंडियन से बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र जाएगी इसकी इंग्लिश स्किल्स पे, ये किस टाइप की इंग्लिश यूज़ करता है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी वीक है, किस टाइप की टर्म्स वगैरह यूज़ करता है। देखो दोस्तों हर बंदे का अपना अपना लिखने का एक स्टाइल होता है। कुछ बंदे जैसे हो सकते हैं कि एक्सक्लेमेशन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ यूज़ नहीं करते। कुछ बंदे हो सकते हैं यहाँ पे सिर्फ ग्रुप लिखते हैं, जैसे इन्होंने ग्रुपीज लिखा हुआ है। हर बंदे का अपना अपना एक स्टाइल होता है दोस्तों, और हर बंदे का स्टाइल थोड़ा थोड़ा दूसरे से वेरी करता है। तो ये सारी बातें दोस्तों ध्यान में रखी जाती हैं, और दोस्तों उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कम्युनिटी लैंग्वेज कितनी यूज़ हो रही है, जो एलाइट लैंग्वेज है या कम्युनिटी लैंग्वेज है उसका कितना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। एक और चीज़ जो दोस्तों यहाँ पे हो सकती थी वो थी स्पेलिंग मिस्टेक्स। एनीवेज दोस्तों देखो जितना लेंथी होगा ये इंटरव्यू, जितना लेंथी होगी डिस्कशंस, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए बेटर है, उतना हम इनको और अच्छे से फिगर आउट कर पाएंगे। देखो दोस्तों जो लिखने का स्टाइल होता है उसमें बहुत कुछ पता चलता है, हम फिगर आउट कर पाते हैं बंदे सिटी के हो सकते हैं या विलेज के हो सकते हैं, कौन से जनरेशन के बच्चे हैं। अगर हमें सोशल मीडिया पर कुछ इस टाइप के टारगेट्स मिलते हैं तो कई बार हम उनका जो लिखने का स्टाइल होता है उससे पहचान पाते हैं कौन हो सकते हैं। अब एक मेन चीज़ आती है दोस्तों, सोशल मीडिया को अटैक करना। देखो दोस्तों जब हम इनका इंटरव्यू पढ़ रहे थे हमने एक चीज़ पे ध्यान दिया कि इनको अच्छी नॉलेज है क्रिप्टो करेंसीज़ की, इनको अच्छी नॉलेज है डिसेंट्रलाइजेशन की, ठीक है, ये डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसी के साथ। तो दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने कभी ना कभी सोशल मीडिया पे डिजिटल इंडिया को सपोर्ट तो ज़रूर किया होगा। अब हम दोस्तों हमारा एक लक ट्राई करते हैं, देखो कुछ इस टाइप से, एक डिजिटल इंडिया और क्रिप्टो करेंसी को हमने इकट्ठा ले लिया, एंटर किया, तो वो पोस्ट यहाँ पे आएंगी जहाँ पर ये दोनों वर्ड इंक्लूडेड हैं, ठीक है। ऐसे ही एक बार इन तीनों वर्ड्स को ले लिया, एक है डिसेंट्रलाइज, एक है डिजिटल इंडिया, एक है क्रिप्टो करेंसी, यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन लिख लेते चाहे एक और बना लेते, ठीक है, इस टाइप से काफ़ी कुछ बन सकता है। तो फिर हम देखते हैं कुछ बंदे जिनको काफ़ी थोड़ी गहराई सी नॉलेज है, इनको काफ़ी अच्छी नॉलेज है इन चीज़ों की, ठीक है, कुछ इस टाइप के बंदे। देखो जो पोस्ट होती है ना वो देखते ही पता चल जाता है कि इस बंदे को काफ़ी नॉलेज है, ठीक है, मैं किसी बंदे को यहाँ पॉइंट आउट नहीं कर रहा, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस टाइप से हम चीज़ें ट्राई आउट करते हैं सोशल मीडिया पे।
देखो ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, क्या सर्च करना है वो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। देखो छोटी से छोटी चीज़ें मैटर करती है। कई बार आप कुछ ऐसे वर्ड्स लिख देते हो जो आप दूसरों से बिल्कुल हटके लिखते हो, बिल्कुल अलग लिखते हो, वो भी हेल्पफुल बन जाते हैं डॉक्सिंग में। कई बार आप हैवी टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर देते हो जो जनरली इतना यूज़ नहीं होती, वो भी हेल्पफुल बन जाते हैं ऐसी बेसिक डॉक्सिंग में। अभी हाल में ही क्या हुआ था, यूपीएससी की वेबसाइट एक हैकर ने डिफेस कर दी थी, तो उसने ऐसी एक फ़ोटो लगा दी थी वहाँ पे। अगर ये वर्ड स्टूपिड तुम फेसबुक पे सर्च करते तो तुम्हें एक पोस्ट मिल जाता स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो उसी बंदे का था जिसने इस वेबसाइट को डिफेस किया था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिटीज़ का, फोरम्स का, ग्रुप्स का नॉलेज रखना। देखो तुम्हें बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल देता हूँ, 2011 की बात है ये, 2011 जनवरी। देखो एक पोस्ट होती है जिस पे एक बंदा पब्लिसिटी करने आता है, ठीक है। कई बार होता है ना, हम किसी पोस्ट पे पब्लिसिटी करने चले जाते हैं, तो जो बंदा पब्लिसिटी करने आता है उसका नाम होता है एल्टोइड। ये एक कमेंट करता है, भाई कितनी औसम थ्रेड है, लेकिन क्या तुमने सिल्क रोड के बारे में सुना है? ये काफ़ी कुछ बताता है उसके बारे में, ये एक एनोनिमस सर्विस है जो टोर पे चलती है, ये वो वगैरह वगैरह। दोस्तों तुम्हें एक बात बताता हूँ, 2011 में बिटकॉइन से रिलेटेड एक ही फोरम था, वो था बिटकॉइन टॉक, ठीक है। सब लोग यहीं बात करते थे, तो जिसको भी कोई हेल्प चाहिए होती थी किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड तो वो यहीं आता था। मान लो कि मैं बिटकॉइन का वॉलेट इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट में, कुछ भी करना चाहता हूँ, तो मुझे यहीं जाकर हेल्प मांगनी पड़ती थी, यहीं पर सारे डिस्कशन चलते थे। अब दोस्तों होता क्या है, जैसे तुम कोई भी कमेंट करते हो ऐसे फोरम्स पे, तो कोई तुम्हें रिप्लाई करना चाहता है। जब वो रिप्लाई कर रहा होता है तो उसके पास कोड का एक ऑप्शन होता है, जब वो कोड का ऑप्शन यूज़ करता है तो बेसिकली होता क्या है, तुम्हारा पूरा रिप्लाई उसके रिप्लाई में इंक्लूड हो जाता है। कोड का मतलब ही होता है कि किसी दूसरे की बात को तुम दोहरा रहे हो। तो जो ये तुम देख रहे हो ना कोड फ्रॉम एल्टोइड, ये इन्होंने एल्टोइड की बात को दोहराया जो इस टाइम पे कही गई थी, ये हो गया। और जैसे नीचे ये हो गया सीरीज है, जो इन्होंने भी कोट किया हुआ है एल्टोइड की लाइंस को, ये एल्टोइड की लाइंस है और ये अपना खुद का रिप्लाई दिया हुआ है। देखो दोस्तों 2011 में अगर तुम एक ऑनलाइन ड्रग्स मार्केट रन करते और तुम कुछ ऐसे बंदे चाहते जो बिटकॉइन में ड्रग्स खरीद लेंगे ऑनलाइन, तो उसके लिए यही एक फोरम था जहां पर तुम पब्लिसिटी कर सकते थे। हुआ क्या, ये वेबसाइट थोड़ा सा फेम गेन करना शुरू कर दी, बेसिकली इसकी लॉन्चिंग थी। तो हुआ क्या, जो एल्टोइड भाई हैं इन्होंने अपना कमेंट डिलीट कर दिया, लेकिन जो बंदे थे जिन्होंने इसको कोट किया हुआ था उनका कमेंट, उनका रिप्लाई आज भी वैसा का वैसा है। तो एक बार हम एल्टोइड भाई की प्रोफाइल देखते हैं। दोस्तों ये है एल्टोइड भाई की प्रोफाइल, हम जाते हैं यहाँ पे इसकी पोस्ट पे, इसने क्या क्या पोस्ट किया। तो तुम देखोगे दोस्तों बिटकॉइन वगैरह को लेकर पोस्ट किया, बिटकॉइन आ रहे हैं, मैं कैश आउट कर रहा हूँ, ये वो, मैं हायर कर रहा हूँ आईटी प्रोफेशन के लिए। इन्होंने एक ईमेल दिया है दोस्तों, ये ईमेल, ठीक है, russellbridge@gmail.com। ये पोस्ट है दोस्तों 2011 का अक्टूबर का। दोस्तों अगर तुम्हें नहीं पता ये इंसान कौन है तो तुम्हें बता दूँ, ये सिल्क रोड के फाउंडर थे जो 2013 में अरेस्ट कर लिए गए थे। इसके ऊपर हम किसी और वीडियो में भी बात करेंगे दोस्तों, अभी के लिए हम फिर से हमारे टॉपिक पे चलते हैं। देखो दोस्तों बहुत सारी बातें मैटर करती हैं डॉक्सिंग के टाइम। अभी मैं कुछ टाइम के लिए मान लेता हूँ कि ये बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, बीजेपी के नहीं तो एटलीस्ट डिजिटल इंडिया के तो हैं ही। तो जैसे ये कोई बंदा है एलियट एंडरसन, तुम्हें पता है ये डिजिटल इंडिया को हमेशा अपोज करता, आधार कार्ड वगैरह हर चीज़ को अपोज करता था, जो इस टाइप के बंदे हैं जो अपोजर्स हैं हमारे डिजिटल इंडिया के, इनको कौन से हैकर्स अपोज करते हैं, जो पोस्ट वगैरह डालते हैं जो भी करते हैं उनको कौन बंदे अपोज करते हैं, हो सकता है हमें हमारा टारगेट वहाँ से भी मिल जाए। जो दोस्तों कम्युनिटी की पोस्ट होती हैं, जैसे जो कम्युनिटी के बंदे होते हैं जो भी लीजन वगैरह के बारे में जो भी पोस्ट करते हैं, उनके ऊपर क्या रिएक्शन आते हैं क्या रिएक्शन नहीं आते, हर चीज़ मैटर करती है। देखो तुम न्यूज़ वगैरह को ही फॉलो कर सकते हो, लेकिन जो कम्युनिटी के बंदे होते हैं जो हैकर्स होते हैं वो दूसरे हैकर्स को ही फॉलो करना पसंद करते हैं, वो दूसरों से सबसे जुड़े रहना पसंद करते रहे ताकि उन्हें पता चलता रहे क्या क्या हो रहा है। ज़्यादातर पीआर ग्रुप्स दोस्तों अच्छे इंपैक्ट वाली जीरो डे वल्नरेबिलिटीज पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, और उनके लिए अच्छा होता है कि वो पूरी कम्युनिटी से जुड़े रहें। मान लो कि दोस्तों हमें कोई सस्पेक्ट मिल जाता है, एक तो ऑब्वियस ही बात है हम पूरा जो प्रोफाइल है उस पर पूरा एक फास्ट नज़र दौड़ाएंगे, क्या कुछ है क्या नहीं है, एक फिर हम
मेन मेन कुछ चीज़ों को सर्च भी करेंगे, जैसे ये इन यूआरएल ले लिया और ये मेरा अकाउंट है और ये कांग्रेस लिख लिया यहाँ पे, या फिर डिजिटल इंडिया लिख लिया, या फिर यहाँ पे राहुल गांधी लिख लिया, या जो कुछ भी लिख लिया, हम बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हैं, कुछ रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। एक जैसे कि बिटकॉइन लिख लिया कि बिटकॉइन में कब से पोस्ट वगैरह डाली जा रही हैं या जो भी हो रहा है, ताकि ये मेरे बिटकॉइन वाले पोस्ट दिखा देगा जो मैंने डाले हुए। तो इस टाइप से चीज़ें चलती हैं दोस्तों, कुछ बातें ऐसी हैं दोस्तों जो तुम टाइम के साथ एक्सपीरियंस के साथ ही समझोगे। जैसे जो हमारा सस्पेक्ट है, जब ये अटैक हुआ तो वो किस टाइप की चीज़ें पोस्ट करता था, ऑब्वियसली वो टैक्स रिलेटेड पोस्ट नहीं कर रहा, फिर भी जो पोस्ट कर रहा था वो कितना हाइप में था, कितना खुश था, कितना हवा में था, या जो भी है, बहुत सारी बातें दोस्तों मैटर करती हैं। देखो दोस्तों, करने को हम यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे ये भाई इलाइट लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो एक बार हम लीजन को ही इलीट में लिख लेते हैं, GIZN, और देखते हैं ऐसा कोई ग्रुप भी एग्जिस्ट करता है नहीं। कई केसेस में क्या होता है, ये जो हमने ग्रुप लिखा है ये और वो जो नॉर्मली लिखा गया है, ये दोनों ग्रुप सेम ही होते हैं। कई केसेस में अलग अलग भी हो सकते हैं, वो सब मैटर करता है। फिर भी हम डॉक्सिंग सीख रहे हैं, इसलिए हमें हर एक चीज़ पर नज़र डालनी चाहिए, हर एक चीज़ को एक बार कंसिडर करना चाहिए। तो दोस्तों हमें मिली एक डिफेस प्रोफाइल, ठीक है, जोन एज बेसिकली डिफेस प्रोफाइल्स होती हैं, जैसे डिफेसर आई डी में होती हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये कोई ग्रुप है जो 2017 तक भी एक्टिव है, इन्होंने वेबसाइट्स वगैरह को डिफेस किया हुआ है। एक मिनट, ये अभय डाटा डॉट को इन इंडियन हो सकती है, बाकी जो ज़्यादातर वेबसाइट्स मुझे नज़र आ रही हैं वो बाहर की वेबसाइट्स लग रही हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर एक मिनट, जो चैतन्य कॉलेजेस हैं इसका इन्होंने हर एक चीज़ डिफेस किया हुआ है ना, ध्यान से देखोगे तो इसके एम्प्लॉयज़, इसका ओल्ड साइट, ऑनलाइन एग्जाम, सब कुछ ही डिफेस किया हुआ है। एक मिनट, चैतन्य कॉलेजेस डॉट कॉम कहाँ है और ये क्या है? ओके, तो दोस्तों ये कोई कॉलेज है, कॉलेजेस की चेन है जिसको इन्होंने बहुत ही बुरी तरह डिफेस मारा सब कुछ। तो दोस्तों कई केसेस में ऐसा हो सकता है कि ये इससे किसी तरह रिलेटेड हो, कई केसेस में ऐसा होता है किसी ना किसी तरह रिलेटेड होते हैं, क्योंकि एक बाहर बैठा हैकर जो इंडिया से बाहर बैठा होगा उसको क्या लेना देना चैतन्य कॉलेज से। कई बार ऐसा होता है गूगल डॉक्स यूज़ करते हैं, गूगल डॉक्स के थ्रू जो मिल गया उसको डिफेस मार दो, ठीक है यार। अगर इन्हें अपनी सिर्फ इस प्रोफाइल में ही ऐड करना था तो इन्होंने हर एक को अलग अलग डिफेस किया, काफ़ी अजीब सी बात है वैसे, फिर भी लोग करते हैं, मैंने देखा हुआ लोगों को गूगल डॉक्स से उन्हें कुछ मिल जाता जो डिफेस हो सकता है करते हैं, हर टाइप के बंदे होते हैं, कई बंदों को अपनी प्रोफाइल बढ़ाने से मतलब होता है सर। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ है या नहीं, ये कहाँ है, क्या है, इसका एड्रेस रेंगल का है, वेरेंगल, चलो खैर जो भी है दोस्तों। फिर भी हमें इस एक बार इस रिजल्ट को भी आगे ध्यान में जरूर रखना होगा, जब हमें और कोई सिमिलर प्रूफ मिलेगा तो इसको अभी के लिए हटा देते हैं। तो चलो और कुछ ट्राई करते हैं। और हाँ, डिफेस प्रोफाइल से याद आया, एक बार हम ये देखते हैं जो हमारी अफेक्टेड वेबसाइट्स हैं वो किसी ने उस टाइम के आसपास डिफेस की हैं या नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, उसने हो सकता है अपनी किसी और आईडी से ये जानबूझ के रिपोर्ट किया और अपनी प्रोफाइल में ऐड कर लिया, कई बंदा ऐसा करते हैं, ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। और ग्रुप में जब बच्चे होते हैं तब ऐसी हरकतें खासकर होती हैं। कोई भी रिजल्ट नहीं है दोस्तों। जो दूसरी अफेक्टेड वेबसाइट्स हैं आप उनका भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं दोस्तों। देखो मैं तो आपको सिर्फ सिखाना चाहता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं वापस। इन्होंने कहा था व्हाट टू लुक अप फॉर में, ये है T3 के एंटेनन, इसको लुक कर लेना इस ग्रुप का, ठीक है। तो दोस्तों जनरली ऐसी चीज़ें कभी सही बताते नहीं, खासकर जो ग्रुप डॉक्सिंग से बचना चाहते हैं, एनोनिमिटी चाहते हैं, खासकर वो ग्रुप। फिर भी इससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो मिलता ही, और कई बार ये सही बता भी देते हैं, चलो वो देखते हैं अभी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, जो बंदा इस इंटरव्यू में बात कर रहा है अगर वो ये बंदा नहीं है तो यही नाम क्यों लिया गया। ये कोई ऐसा नाम नहीं है जो बहुत सारी न्यूज़ में आया हुआ है, ये कोई ऐसा नाम नहीं है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, ये कोई ऐसा नाम नहीं है अगर तुम गूगल पे सर्च करोगे बहुत फास्ट टॉप हैकर से ऐसा कुछ तो अपीयर होने वाला है। तो यही नाम क्यों लिया गया, क्या ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे है या ऐसे फोरम पे है जो लीजन भी यूज़ करता है, या लीजन इसका एक फॉलोअर है, या फिर लीजन ने कुछ गूगल पे सर्च किया होगा, उसने कोई फर्स्ट पेज या सेकंड पेज जो भी था ओपन किया होगा सर्च रिजल्ट से, उसको वहाँ पे ये भी मिल गया होगा, उसने इंटरव्यूअर को हरी में ये बोल दिया भटकाने के लिए इंटरव्यूअर को। बहुत सारे ऐसे मैटर्स हो सकते हैं, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों जो हमारा फर्स्ट लुक है यहाँ पे, जब हम देखते हैं सर्च रिजल्ट्स तो हमें नीचे कुछ डिज़ाइन पेजेस मिलते हैं, ऊपर हम देखते हैं कोई एक्सप्लोइट ढूंढा था इन्होंने लिनक्स से रिलेटेड, उसको उससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन वगैरह मिलती है।
एनीवेज दोस्तों, एक चीज़ हम देख पा रहे हैं, ये एक ग्रुप है देखो, और इसमें ये तीन मेंबर्स हैं। तो चलो दोस्तों इस ग्रुप को भी एक बार अलग से सर्च कर लेते हैं। तो अब दोस्तों हम यहाँ पे काफ़ी कुछ देख पा रहे हैं। ये तो वही पेज है जो हमने ओपन किया हुआ है, और ट्विटर पे किसी ने कहा है कि ये इसके फ़ैन लग रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, वो भी हम कुछ नहीं कह सकते ऐसे। तो यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे कुछ अच्छा सा नहीं है। ओके दोस्तों आपको फ्रैक के बारे में पता होगा शायद, ठीक है, जो इजाइन लवर्स होते हैं उनको पता होता है। और ये भी एक फ्रैक है, और कुछ अच्छा सा नहीं है क्या, कुछ ऐसा खास नहीं मिल रहा यहाँ पे, है ना। यही वाला ज़्यादा मिलता है इनका, जो एक एक्सप्लोइट है हर जगह। तो जो भी है, किसी एंगल से लग नहीं रहा है हमें कि ये, एक मिनट, साबु का चैट, किसी एंगल से दोस्तों हमें लग नहीं रहा है कि ये हाँ लीजन ही है। चलो एक बार इसको भी देख लेते हैं, फ्रॉम लोकल एक्सप्लोरर्स वगैरह, कुछ ढंग का नहीं है क्या, एक मिनट को, 2010 का, तो दोस्तों कुछ भी अच्छा, एक मिनट, ये तो न्यूज़ है शायद। तो दोस्तों हमें एक न्यूज़ लिंक भी मिला है जहाँ पर 5.5 मिलियन डोमेन नेम्स हैक किए गए हैं। एक मिनट, ये तो अलग ग्रुप है। और हैक द प्लैनेट से एक इम्पोर्टेंट बात याद आई, देखो दोस्तों जो ये MX रिकॉर्ड वाला मेथड है ना, जो लीजन ग्रुप ने यूज़ किया है, ठीक है, ये पहले कभी यूज़ नहीं होता था, इसकी कभी तुम्हें न्यूज़ वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। ये पहली बार हमने देखा था लेनोवो में, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या था, लेनोवो की वेबसाइट हैक की गई थी और जो MX रिकॉर्ड्स था उनको अपडेट किया गया था। और जो हैक द प्लैनेट ग्रुप है, इसके दो मेंबर्स हैं जो लिजार्ड स्क्वाड के भी मेंबर्स हैं, उन्होंने ये काम किया था। ये बात दोस्तों मैं तुम्हें क्यों कह रहा हूँ, जनरली क्या होता है, जब डोमेन नेम रजिस्ट्रार्स या फिर कह लो कि तुम्हारा डोमेन पैनल हैक हो जाएगा, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, IIT दिल्ली का ले लेते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ हुआ था जो भी पाकिस्तान वालों ने किया था। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, डिफेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना, मतलब बस दिखाने के लिए कि हमने आपकी वेबसाइट को हैक कर दिया। लेकिन लीजन ग्रुप ने ऐसा नहीं किया, ये चीज़ बहुत कॉमन मिलेगी तुम्हें, ठीक है। लीजन ग्रुप ने ऐसा नहीं किया था दोस्तों, उन्होंने शांति से MX रिकॉर्ड्स को चेंज किया और मेल्स को इंटरसेप्ट करते रहे। बेसिकली उनका मेन फोकस ही MX रिकॉर्ड्स पे था। एनीवेज दोस्तों, जो हमारा टारगेट ग्रुप है वो यहाँ अपीयर हो रहा है इस न्यूज़ में। यहाँ पे एक रिवेंज का मैटर है दोस्तों, और उससे हमें कुछ खास इन्फो इस ग्रुप की नहीं मिल रही। तो दोस्तों चलो थोड़ा इजाइंस पे चलते हैं, इसको सर्च किया हमने, और यहाँ पर दोस्तों ये किसी और ने लिखा हुआ है, और इनको देखो ये ग्रिड्स वही स्टाइल है वैसे जो लीजन यूज़ करता है, ये किसी और ने लिखा हुआ है, लेकिन थैंक्स वगैरह बोला जा रहा है दूसरों को। ये एक अलग है, यहाँ से जो शुरू हुआ है वो इंडियन हैकर्स का शुरू हो गया, हाँ देसी हैकर्स। ओके दोस्तों, अगर इन ग्रुप्स में से किसी का नाम लिया गया होता, ये पुराने ग्रुप्स हैं सब इंडिया के, तो चलो हम मान भी लेते कि वो लीजन सही कह रहा होगा, क्योंकि अभी भी हमारे लिए वो एक इंडियन ही है। जिस बंदे ने ये लिखा है दोस्तों, वो कोई पुराना मेंबर है काफ़ी, जिसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। खैर यहाँ से भी कहीं और चलते हैं, यहाँ से भी हमें कुछ खास नहीं मिला है। और यहाँ पे ये तो वही वाला है, और अब हम आ गए हैं दोस्तों यहाँ पे। अगर तुम्हें नहीं पता साबू कौन है दोस्तों, तो तुम्हें बता दूँ, जो साबू है वो लल सेक का एक मेंबर है जो अरेस्ट हो गया था, जिसे FBI ने अरेस्ट किया था। ये बेसिकली उसकी चैट है दूसरों के साथ, ठीक है, जो यहाँ पे पोस्ट की गई है। तो दोस्तों हम सोच रहे थे ना कि यही नाम क्यों लिया गया होगा। देखो दोस्तों, साबू के अरेस्ट के बाद उसकी कुछ चैट्स फेमस हो गई थी, तो बहुत बंदों ने पढ़ी होंगी, और हो सकता है इसकी वजह से भी लिया हो, कई मैटर्स हो सकते हैं अभी। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे है कि जो T3K है वो अब इसमें बदल गया है, ठीक है, जो T3K है वही देख लेते हैं पहले, ऊपर क्या क्या बात हुई है। इसने एक न्यूज़ शेयर की है, और कुछ खास नहीं है कि हम कुछ भी कह पाएँ। और दोस्तों देखो, ये वाला जो ग्रुप है H0NO, ये मैंने तुम्हें पहले बताया पावरफुल ग्रुप है, ये ग्रुप इतना पावरफुल नहीं है। ऊपर चलते हैं, कुछ खास नहीं मिला हमें, नीचे ही चलते हैं दोबारा। ओके तो नीचे चलते हैं, और इसने कुछ कहा है, H0NO इज़ Z,
IMH0NO। तो दोस्तों देखो, जो होनो है वो पावरफुल ग्रुप है, ये कह रहा है कि मैं ही ये हूँ, ये बात मानने लायक नहीं है। देखो जो बंदे हैं वो भी यही क्वेश्चन उठा रहे हैं, और लीजन भी कहीं ना कहीं इस ग्रुप का फैन है। अगर तुम उसकी हरकतें देखो, तुम उसकी बातें देखो, तो तुम्हें लगेगा वो इस ग्रुप का फैन है। दोस्तों जो ये अबू नासर यूजर है यहाँ पे, अबू नासर खान है जो पाकिस्तान साइबर आर्मी का मेन आदमी है। खैर हमें यहाँ से कुछ खास नहीं मिल रहा है, हम थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ भी मिले तो। इन रोमानिया नो लेस, एक मिनट रुको, ये इस बात के एजम्पशन कैसे लगा रहे कि रोमानिया ने, ये बात हमारी समझ में अभी तक नहीं आई है। और ये बंदा भी बहुत अजीब है जिसको हम सर्च कर रहे थे। देखो जो रोमानियंस होते हैं वो बूढ़े नहीं होते, और ये बंदा बोल रहा है इसलिए है क्योंकि 17 साल की लड़कियां मुझे लाइक करती हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा ही अजीब आदमी है, और ये लीजन से कुछ भी मैच नहीं कर रहा है इसका। वैसे ठीक है, लीजन भी थोड़ा आयाश आदमी है, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का आयाश लग रहा है मुझे। तो खैर जो भी है, ये मोस्ट प्रोबली बंदा रोमानियन होगा, क्योंकि देखो ग्रुप चैट में जो बंदे होते हैं ना, वो जानते हैं एक दूसरे को अच्छे से, जान लेते हैं मतलब टाइम के साथ, जानते तो क्या है। खैर यहाँ पर कुछ है ऐसा, तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे नोट करने लायक इसके रिगार्डिंग, बट दोस्तों इसको हम किसी भी तरीके से, एक मिनट ऊपर क्या बोला, ये लीजन से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम रिलेट कर पाएँ। तो दोस्तों कुछ ऐसा खास नहीं मिला हमें इससे। तो दोस्तों हो सकता है ये इस ग्रुप के फैन हो सकता है ये यही ग्रुप हो। एक अजीब चीज़ दोस्तों, देखो इन्होंने कहा कि हम बीजेपी से स्पॉन्सर्ड नहीं हैं, या ये वो वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या। एक बात मुझे समझ में नहीं आई, ये क्रिप्टो करेंसीज के सपोर्टर्स हैं। इन्होंने कहा कि हम डिजिटल इंडिया को तब सपोर्ट करेंगे जब वो क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करेंगे। यार जब क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग को बैन कर दिया, तब ये बंदे कहाँ थे? तब इन बंदों ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कुछ तो इन्हें करना चाहिए था ना। और भी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों जो हमें नोट करनी चाहिए, जो हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर ये इस टाइप के बंदे हैं, फ्लाइट्स होटल्स वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, उसी के लिए कमा रहे हैं, तो इस टाइप की इंस्पिरेशन इन्हें कहाँ से मिल रही है? तो बहुत सारे सवाल दोस्तों यहाँ पे अभी खड़े हैं जिनका आंसर हमें नहीं मिला है। देखो जैसे पनामा पेपर्स लीक हुए थे, इससे पूरा वर्ल्ड अफेक्ट हुआ था, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स अफेक्ट हुई थी। जैसे एग्जाम्पल ले लो, पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं उनको जेल हो गई इसकी वजह से, बहुत बंदे फंसे हुए हैं, बड़े बड़े बंदे फंसे हुए हैं इसमें। तो दोस्तों वो सब एक अलग बात है। आजकल डिजिटल वर्ल्ड देखो बहुत बड़ा हो गया, बहुत पावरफुल हो गया है, लेकिन हम किसी की ईमेल वगैरह हैक करेंगे और उससे हमें उनके खिलाफ कोई करप्शन चार्ज मिलेगा, ये सब बहुत बहुत मुश्किल बात है। मतलब ये सब तो कॉमिक्स वाली बात हो गई। देखो कोई ऑफशोर फर्म है वो हैक होती है, वहाँ से कुछ बड़ा लीक होता है, वो सब अलग बात है, वो सब हो सकता है, वो सब पॉसिबल है। तो ये जो लीजन है, या तो अभी ये इतनी मेच्योर नहीं है, अभी इनको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, या फिर ये बिल्कुल जैसे कॉमिक वाले बच्चे होते हैं उस टाइप के, या फिर ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड थे। कोई भी चीज़ हो सकती है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। जो भी है दोस्तों, अगर इनकी स्किल्स ग्रो करती रहेंगी, टाइम के साथ ग्रो करती रहेंगी, तो हो सकता है एक दिन ये एक ऐसा कोई लीक हमें इंडिया में देखने को मिले, ऐसा हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि इनकी स्किल्स कितनी ज़्यादा है, अभी हम इनकी कुछ इतनी पावरफुल स्किल्स नहीं देख पाए हैं। देखो दोस्तों जो भी प्रूफ्स वगैरह लीजन ने दिए थे, मैं उनके थ्रू गया था। जैसे ये वाला इन्होंने दिया था, ये पेज रिमूव हो चुका है, इन्होंने NDTV का ये दिया था, ये वाला होगा अभी भी। तो दोस्तों बेसिकली इन्होंने प्रूव कर दिया था कि NDTV का एक्सेस था इनके पास। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ना एक बात है कि दो टाइप के बंदे ज़्यादा मिलेंगे तुम्हें कम्युनिटी में। एक जैसे कि ले लो कि अब्देला याला भाई को, इनका तुम्हें पता होगा, ये सोशल मीडिया माइक्रोसॉफ्ट वगैरह इन्वेस्टर्स में बग्स वगैरह ढूंढते रहते हैं और इनको रिपोर्ट करते रहते हैं, ठीक है, बैक टू बैक बग्स ढूंढते हैं कई बार तो ये। और एक ले लो जैसे कि रेड लाब्रो, ये मालवेयर्स वगैरह में ज़्यादा रहते हैं। तो इस टाइप के भी बंदे तुम्हें काफ़ी मिलेंगे, और इस टाइप के बंदे भी तुम्हें काफ़ी मिलेंगे। देखो लीजन ने कहा था कि हमारे पास ट्विटर का कोई 0 डे वल्नरेबिलिटी अभी नहीं है, अभी हमने सिर्फ उसके पासवर्ड रिसेट को एब्यूज़ किया है। अगर दोस्तों इनके पास एक ऐसा बंदा होता जैसे अब्दुल अयाला है, ठीक है, एक ऐसा बंदा होता, एक चीज़ देखो लीजन ने क्लियर कर दिया कि वो PR ग्रुप है, उन्हें PR चाहिए, ठीक है, तो एटलीस्ट कोई एक दो तीन सोशल मीडिया बग्स तो वो निकाल ही चुके थे, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं उस बात को, इंस्टाग्राम में नहीं तो ट्विटर में नहीं तो फेसबुक में, कहीं तो निकाल ही चुके होते, उन्हें PR चाहिए था तो, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ हमने नहीं देखा है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ उसके बाद।
और दोस्तों अब बात आती है उनके अपोलो वाले मैटर की। देखो जो अपोलो के बारे में बोल रहे हैं उसके लिए उनको पूरे इंटरनल नेटवर्क का एक्सेस चाहिए था, और ये सारा काम करते हैं मालवेयर्स वाले बंदे। आपको बहुत कम बंदे ऐसे देखने को मिलेंगे जो दोनों में ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। या तो बंदा इस साइड ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है या बंदा इस साइड ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। देखो दोस्तों होता क्या है, आपने रैट्स वगैरह देखे होंगे, एक लोडर को या फिर एक ड्रॉपर को एक इमेज के साथ बाइंड कर दिया जाता है और उसे विक्टिम को भेज दिया जाता है। देखो दोस्तों ज़्यादातर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो मालवेयर होगा उसे अलग से डाउनलोड किया जाएगा रिमोटली, ठीक है। कुछ केसेस में ऐसा होता है मालवेयर को भी साथ में भेज दिया जाए, वो डिपेंड करता है। और जो मेन काम होता है इनका वो क्या होता है, जो लेटेस्ट एक्सप्लोइट्स हैं, जो वर्किंग एक्सप्लोइट्स हैं, उन पर काम करते रहना, ऐसे एक्सप्लोइट्स जिससे वो मालवेयर दूसरे सिस्टम्स में फैल पाए। जनरली एसएमबी के एक्सप्लोइट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो यही इनका काम होता है बेसिकली। जो कैमरे हैं, जो प्रिंटर, हर चीज़ जो नेटवर्क पे उसको टेक ओवर कर लो, हर एक में रेट को फैला दो, जो इवन लोग लॉगिन वगैरह कर रहे हैं, पासवर्ड वगैरह, हर चीज़ कलेक्ट करते जाओ। साइलेंटली पूरा काम चलता है और ज़्यादा सिस्टम्स अफेक्ट होते रहते हैं, यूं ही चलता रहता है। ये लोग ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते इतना। देखो मीडिया के हाइप से थोड़ा दूर रहो और रियल चीज़ों पर थोड़ा फोकस करो, अच्छी एनालिसिस पे फोकस करो। ऑपरेशन शाहीन, इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसकी पूरी एनालिसिस का, ये बहुत अच्छा है दोस्तों, ठीक है। रियल वर्ल्ड में जो तुम्हें मालवेयर्स अटैक्स मिलेंगे वो ऐसे ही मिलने वाले हैं, ठीक है। ये पूरा पढ़ने का बहुत अच्छा, इसको किसी और वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो जो इंडिया के हैकर्स होते हैं, जो ईरान के हैकर्स होते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें तुम्हें कॉमन मिलेंगी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिलेंगी। और बाहर जैसे यूएसए वगैरह में क्या होगा, ओपन सोर्स का इतना यूज़ नहीं मिलेगा उनके हैकर्स के बीच में, जो उनके अच्छे हैकर्स होंगे। इंडिया में ये चीज़ें आज भी तुम्हें ज़्यादा मिलेंगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छे से इसको एनालाइज किया था, एक एक चीज़ को, तो जो कम्युनिटी में बंदे करते हैं, कैसी कैसी चीज़ों पर वो फोकस करते हैं, हर चीज़ तुम्हें यहाँ पर मिलेगी देखने को। इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होगी अगर हम इसको डिस्कशन करने बैठ जाएंगे तो। देखो जब वेबसाइट्स वगैरह को हैक करने की बात आती है तो डिफेस वगैरह तो सिर्फ शो ऑफ होता है, मेन चीज़ होती है शेल करना। और जो लीजन टाइप के ग्रुप हैं, लीजन जैसे ग्रुप हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं एसएमटीपी को क्रैक करने में एक बार वेबसाइट शेल हो जाती है तो। और इस चीज़ के ऊपर दोस्तों हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बात आती है इनकी एनोनिमिटी की, बात आती है कि इस टाइप के ग्रुप्स को ट्रेस करना इतना हार्ड क्यों है। देखो दोस्तों मैंने ये बात पहले भी कही है तुमको, एक ग्रुप की चॉइस होती है कि वो कितनी एनोनिमिटी रखना चाहता है। कुछ ग्रुप्स नहीं रखते, कुछ ग्रुप्स रखते हैं, कुछ बंदे मल्टीपल ग्रुप्स में होते हैं, तो जो ज़्यादा एनोन ग्रुप्स होते हैं उसमें ऑब्वियसली वो ज़्यादा एनोनिमिटी रखते हैं। और जनरली क्या होता है, जो लीजन जैसे ग्रुप होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि ज़्यादा बंदे होंगे ना तो एक ना एक बंदा बाहर जाके चिल्ला देगा, क्लास में बता देगा सारी लड़कियों को, इस टाइप के बंदे होते हैं, सबको गा देगा कि वो हम ही लीजन है, तो वो दिक्कत करते हैं। जनरली इस टाइप के ग्रुप्स तुम्हें छोटे मिलेंगे। एनोनिमिटी को लेकर मैं जल्दी एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। एनीवे एक चीज़ जो तुम नोट करोगे कि जो लीजन ग्रुप है उनको एनोनिमिटी की बहुत अच्छी समझ थी, उन्होंने हर एक चीज़ बहुत सोच समझ के यूज़ की हुई थी। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब इन्होंने ट्विटर अकाउंट्स एक्सेस किए तो इन्होंने एनोनिमिटी बहुत हाई रखी होगी, टोर यूज़ किया होगा, जो कुछ भी किया होगा, इनकी स्पीड बहुत कम हो गई होगी, इनको उससे फ़र्क भी नहीं पड़ा होगा। लेकिन उससे पहले का जो फेज़ था, जैसे INC की वेबसाइट है, NDTV की वेबसाइट है, और जो तुम्हारे नेट फॉर इंडिया की वेबसाइट, जो भी जो हमारे सस्पिशियस टारगेट्स हैं, ठीक है, जहाँ पर इन्होंने कोई टेस्टिंग की होगी, जब हम टेस्टिंग करते हैं तब हम इतनी कम स्पीड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत एनोनिमिटी तो बंदा वहाँ पे भी रखता है, बट इतनी नहीं रख सकता जितना इन्होंने ट्विटर वगैरह पे रखी होगी। तो होता क्या दोस्तों, जो इन वेबसाइट्स के लॉग्स वगैरह होते हैं, जो वेबसाइट्स अफेक्टेड हुई होते हैं, जिनके सिस्टम्स अफेक्टेड हुए होते हैं, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और इंडिया में होता क्या है, जो अफेक्टेड टारगेट्स होते हैं ना, वो सब केस से बैकआउट कर लेते हैं, ठीक है, वो सब अपने लॉग्स वगैरह शेयर करना ही नहीं पसंद करते, वो कोई ना कोई बहाना मार के मतलब केस से बाहर हो जाते हैं, तो एक तरह से वो हट ही जाते हैं वहाँ से। बाहर डेवलप्ड नेशंस में थोड़ा अलग है, वहाँ पे क्या होता है, कंपनीज खुद बता देती हैं कि उनके यहाँ एक ब्रीच हुआ है, और फिर अगर कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से वो ब्रीच हुआ, वो थर्ड पार्टी भी खुद मान लेती है कि हमारी वजह से ब्रीच हुआ है, फिर वो अथॉरिटीज़ की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, मतलब अथॉरिटीज़ और ये सब मिलके काम करते हैं, जो जो अफेक्टेड टारगेट्स थे, और तब जाके मैटर को सॉर्ट आउट किया जाता है। इंडिया में क्या है, इंडिया में जो अफेक्टेड टारगेट्स होते हैं वो सब बाहर भागना चाहते हैं मैटर से, कोई कोर्ट में घूमना फिरना पसंद नहीं करता। हमारे यहाँ पे थोड़ा अलग सिस्टम है, इनफैक्ट इनके लॉज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं इंटरनेट को लेकर। एनीवेज दोस्तों देखो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है।
देखो जो ज़्यादा एडवांस्ड पावरफुल ग्रुप्स हैं जो फॉरेन एजेंसीज के द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं जैसे इंट्रूजन ट्रूथ हैं वो डॉक्स करते हैं APT एडवांस परसिस्टेंट थ्रेड ग्रुप्स को, जैसे अभी इन्होंने APT 10 को डॉक्स किया था। लीजन उन टाइप के ग्रुप्स में काउंट नहीं होता, हमने इनका कोई ऐसा अटैक नहीं देखा कि हम इसको एक APT ग्रुप में इंक्लूड कर लें। तो जो इस टाइप के ग्रुप्स हैं ये इनको डॉक्स करने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों क्या है कि लीजन ग्रुप इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, डॉक्स होते हैं वो ग्रुप्स जो एक्टिव रहते हैं। उस टाइम के बाद हमने इसका कोई अटैक नहीं देखा है। देखो रियल वर्ल्ड हैकिंग और रियल वर्ल्ड हैकर्स को समझने के लिए और एक अच्छा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने के लिए डॉक्सिंग बहुत अच्छी चीज़ है। कई बार क्या होगा, जैसे एक प्रोफाइल है, मैं उस प्रोफाइल पे फेसबुक पे डेली बात करता हूँ, एक दूसरा हैकर है जो बहुत बड़ा हैकर है किसी पार्टिकुलर फील्ड में, जिस प्रोफाइल से मैं बात कर रहा हूँ ना वो मुझे वो कभी चीज़ रिवील नहीं करेगा, वो इस चीज़ में इतना एक्सपर्टाइज करता है। जब मैं उन दोनों को रिलेट कर देता हूँ, जब मैं बिल्कुल 100% श्योर हो जाता हूँ ये वही बंदा है, तो ये हमारे लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। हमें पता होता है इस बंदे से हम क्या सीख सकते हैं। देखो दोस्तों सीखना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है लाइफ में, अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहो, यही मेन एम रहना चाहिए तुम्हारा। एनीवेज दोस्तों अगर तुमने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की या जो कंपनीज वगैरह की स्टेटमेंट्स देखी होगी सब लगभग लीजन को लेकर पॉजिटिव हुई थी। कुछ हद तक इन्होंने सही काम भी किया है। देखा जाए तो देखो दोस्तों इन्होंने हमें वार्न कर दिया है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, हम डिजिटल वर्ल्ड में जाते जा रहे हैं लेकिन हमारा साइबर सिक्योरिटी बहुत वीक है। तो ये इस जगह पर गलत नहीं है, बट यूँ ओपनली किसी को चैलेंज करना कि हमें ट्रेस करके दिखाओ, ये सब करना ये सब ठीक नहीं है। इस सब से क्या होगा, जो टेररिस्ट हैं जो दूसरे हार्ड क्रिमिनल्स हैं वो इस बात को समझने लगेंगे कि एनोनिमिटी से कैसे ढाला जा सकता है और कैसे इंटरनेट पर एनोनिमिटी को तोड़ना इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है। बहुत ऐसे APT ग्रुप्स हैं, बहुत ऐसे एडवांस्ड ग्रुप्स हैं जो बहुत बड़े लेवल पे हैकिंग करते हैं, जिनकी एनोनिमिटी बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन वो बिल्कुल साइलेंटली काम करना पसंद करते हैं, वो ज़्यादा हल्ला मचाना पसंद नहीं करते। खैर दोस्तों डॉक्सिंग वगैरह तो यूं ही चलती रहेगी। एक और चीज़ दोस्तों, रिवर्स IP लुकअप भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बहुत सारे केसेस में तुमने देखा होगा हम ये देखते हैं कि जिस सर्वर पे ये वेबसाइट होस्टेड है उस पे और कौन सी वेबसाइट्स होस्टेड हैं, उन दिनों इन वेबसाइट्स पे कोई एक्टिविटी कोई डिफेसिंग वगैरह कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। दोस्तों इस टाइप की बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा काम आती हैं, और वैसे भी ये NIC तो बहुत ज़्यादा हैक होते हैं, तुम्हें पता होगा एक बार राज्यसभा वाली हैक हुई थी, एक बार ये पार्लियामेंट वाली हैक हुई थी, ये होती रहती हैं। एनीवेज दोस्तों लीजन ग्रुप को लेकर आपके क्या राय हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, इस वीडियो से आपने क्या सीखा, जो कुछ भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ अगली वीडियो में, मिलता हूँ।